नमस्कार, स्वागत है आपका इससे न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ निशा कश्यप। दुनिया में आधुनिकता की कमी नहीं है और ना ही आविष्कारों की। हमारे अस्त व्यस्त जीवन के कामों को आसान करने के लिए तो कई बार तकनीकी विकास करने के लिए आविष्कार किए जाते हैं। इस बात पर आपको अंदाजा तो हो ही चुका होगा कि हम एक ऐसे ही आविष्कार के बारे में बात करेंगे जो कुछ समय के बाद हमारे बीच मौजूद होगा, जिससे और कुछ बदले या ना बदले जनसंख्या में बदलाव तो जरूर ही आएगा। अब आप ही सोचिए कि देश में सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के कितने ही नियम बना रखे हैं, मगर उन पर अमल नहीं हो पाता। सरकार की ओर से तो अनचाहे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मुफ्त में गर्भ निरोधक दवा और कॉन्डोम तक बांटे जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा सरकार क्या करे, एक एक को पकड़ कर समझाए। खैर, कई लोगों का यह भी मानना है कि ऐसी चीजें इस्तेमाल करना सही नहीं होता, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स का असर उनके शरीर पर कुछ वक्त बाद चलता है। मगर आज जिस उपाय के बारे में बताएंगे वो बस क्रीम लगाने जितना आसान काम है। हैरान होने वाली बात नहीं है और ना ही कोई मजाक है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे सिर्फ लगाने से आप अनचाहे गर्भधारण यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। इस बात से आप शायद हैरान हो जाएंगे कि जेल को कंधों पर लगाकर आप देश की जनसंख्या को बढ़ने से रोक सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो तकनीक। दरअसल कुछ सालों पहले पुरुषों के लिए हार्मोन इंजेक्शन का चलन आया था, लेकिन ये सच न होते हुए ख्वाब की तरह लगता था। पुरुषों में हार्मोन इंजेक्शन का इस्तेमाल कामयाब और प्रभावी गर्भ निरोधक के रूप में किया जा सकता है। हाल ही में किए गए कुछ प्रयोगों से ऐसे संकेत मिले हैं। अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो चलिए इसकी पुष्टि करते हैं। दरअसल अमेरिकी शोधकर्ताओं ने कहा कि 270 पुरुषों पर इस हार्मोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया था। इनमें से सिर्फ 4 ही ऐसी पत्नियां थी जो इस दौरान गर्भ धारण कर पाई थी। इस इंजेक्शन को 96% प्रभावी माना गया, लेकिन कुछ ज्यादा लोगों पर किए गए प्रयोग में यह पाया गया कि कुछ लोगों के चेहरे पर दाग धब्बे हो गए, कुछ लोगों ने बेवजह मूड बिगड़ने की शिकायत की। आमतौर पर महिलाओं में गर्भ धारण करने से बचने के लिए गर्भ निरोधक गोलियों का सहारा लेना ज्यादा सुविधाजनक रास्ता माना जाता है। इन गोलियों से मुंह पर होने वाले दाने और पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन यह हर किसी पर सूट नहीं करता। आपको यह बात और भी हैरान कर देगी कि हमारे मार्केट में मर्दों के लिए भी पिल्स मौजूद हैं। जितनी पुरानी महिलाओं की गर्भ निरोधक गोली है उतनी ही पुरानी मर्दों की गर्भ निरोधक गोली भी है, लेकिन साइड इफेक्ट्स और फंड की कमी को लेकर होने वाली चिंताओं की वजह से यह कभी भी कारगर नहीं हो पाया। हाल में हुए जांच में पाया गया कि मर्दों के लिए बनाई गई गर्भ निरोधक इंजेक्शन गर्भ रोकने में 96% प्रभावी है। 200 किन्नर लोगों पर यह परीक्षण किया गया था। उन्हें 2 हार्मोन की सुइयां 8 हफ्ते पर दी गई, एक प्रोजेस्टेरोन की और दूसरी टेस्टेरोन की, अलग किस्म की। पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक का सबसे आम तरीका कंडोम है। हालांकि अवैज्ञानिक पुरुषों के लिए बर्थ कंट्रोल के सबसे आसान और सस्ते तरीके की खोज कर रहे हैं। ये शोध ब्रिटेन के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय की तरफ से किया जा रहा है। ये गर्भ निरोधक जेल के रूप में होगा। इस जेल का नाम NEST यानी कि नेस्ट है। कॉन्ट्रासेप्शन में एक महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि पुरुषों के बर्थ कंट्रोल के इस तरीके से महिलाओं पर गर्भ निरोधक का बोझ कम पड़ेगा। शोध में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 100 से अधिक पुरुषों को नेस्ट जेल का इस्तेमाल करने को कहा। ये जेल एक सिंथेटिक के रूप में काम करता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के जरिए स्पर्म के स्तर को धीमा करने और टेस्टेरोन के जरिए यौनिक्षा को बढ़ाता है। इस जेल को पुरुषों को अपनी बाजुओं और कंधों पर लगाना होगा, जिसके बाद स्किन पर इस जेल में मौजूद हार्मोन्स को एब्जॉर्ब कर पुरुषों में स्पर्म के प्रोडक्शन को कम कर देगा। शोध में शामिल पुरुषों ने यह जेल हर दिन अपनी बाजुओं पर और कंधों पर लगाया। ट्रायल के दौरान डॉक्टरों ने इन पुरुषों के स्पर्म काउंट पर निगरानी रखी। नेस्ट जेल ठीक उसी जेल की तरह है जिसे कम टेस्टेरोन वाले पुरुष अपनी जांघों और धड़ पर लगाते हैं। इस ट्रायल के बाद उम्मीद की जा रही है कि ज्यादातर पुरुष कॉन्डोम और मेल पिल्स की बजाय जेल को ही चुने और उसे पसंद भी करें। डॉक्टर बेबाक अशरफ ने बताया कि जेल के इस्तेमाल के बाद लोग ज्यादा संतुष्ट दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ पुरुषों को गर्भ निरोधक का यह तरीका थोड़ा बोझिल लग सकता है, क्योंकि इस जेल को सूखने में थोड़ा वक्त लगता है। इसके अलावा यह एक नई दवा है, इसलिए लंबी अवधि में इसके परिणामों को पूरी तरह से समझ पाना अभी बाकी है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे लेने से हिचकिचा सकते हैं। पुरुषों के लिए बर्थ कंट्रोल को लेकर पिछले कुछ सालों में काफी शोध हुए हैं।
साल 2016 में वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने बताया था कि उन्होंने स्पर्म स्विमिंग को रोकने का तरीका विकसित किया है। इसके जरिए छोटे छोटे कंपाउंड स्पर्म में मिलाकर इसकी क्षमता को कम कर देंगे, जिससे महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होंगी। आपको ये नया तरीका कितना अलग लगता है और कितना फायदेमंद लगता है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी, यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया के तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें इससे न्यूज़। धन्यवाद।